तो बात है 1908 की, तो ब्रिटिश राज इंडिया में थी एंड उनके खिलाफ बहुत सारे संगठन थे। तो उनमें से एक अनुशीलन समिति एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप थी जो कि ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ रही थी। अप्रैल में उन्होंने एक प्लान बनाया टू असैसिनेट डोगलस किंग्सफोर्ड। डोगलस किंग्सफोर्ड एक क्रूअल जज थे जिन्होंने बहुत से डेथ सेंटेंस पास किए थे अगेंस्ट द रेवोल्यूशनरीज एंड अनलॉफुल जजमेंट्स पास किए थे। तो दो लोगों को भेजा जाता है मुजफ्फरपुर टू असैसिनेट डोगलस किंग्सफोर्ड एंड उन दो लोगों में से एक प्रफुल्ल चाकी जो रेवोल्यूशनरी है हम जानते हैं हमें एंड दूसरा था एक 18 साल का लड़का। तो 29 अप्रैल की शाम थी, डोगलस किंगफोर्ड अपने वाइफ के साथ एक कैरेज में जा रहे थे एंड उनके पीछे सेम हूबहू एक दूसरी कैरेज थी उनके बैरिस्टर की बेटी और वाइफ मिस एंड मिसेस कैनेडी की। तो इन दोनों ने गलती से जो बॉम्ब था वो कैनेडी के कैरेज पे फेंका एंड उस वजह से उनमें से एक जन की मौत हो गई तुरंत एंड दूसरी बहुत सीवियरली इंजर्ड, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। इसके बाद वो दोनों लोग अलग अलग दिशा में निकल गए। वो 18 साल का लड़का भागते 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 एक वाइनी नाम के स्टेशन में पहुंचा जहां पर वो पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसे दो कॉन्स्टेबल्स ने घेर लिया एंड उन्हें पता चल गया कि ये वही लड़का है जिसने बॉम्ब ब्लास्टिंग अभी हाल ही में मुजफ्फरपुर में किया। तो उस लड़के को हाथ में हथकड़ी पहनाकर मुजफ्फरपुर स्टेशन पे लाया जाता है एंड वहां उतर कर पूरी भीड़ जो होती है जमा हो जाती है देखने के लिए आखिर ये वो यंग लड़का है कौन जिसने इतनी बड़ी काम करने की हिम्मत दिखाई। वो लड़का वहां पर खड़े होकर मुस्कुरा रहा था एंड वंदे मातरम के नारे लगा रहा था एंड वो लड़का और कोई नहीं खुदीराम बोस थे। तो ये जो केस था मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, इस केस के तहत ब्रिटिश राज ने खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाने का फैसला किया एंड 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई एंड खुदीराम बोस को जिस दिन फांसी दी गई वो मात्र 18 साल 8 महीने और 11 दिन के थे। आज के जनरेशन में 18 साल के स्टूडेंट्स जहां कॉलेज जाने के सपने देखते हैं, नए फ्यूचर बनाने के सपने देखते हैं, वहां 18 साल का लड़का हमारे देश के लिए लड़ते हुए अपने जान देते हैं। यह अलग बात है कि उनके तरीकों को कुछ लोग नहीं मानते हैं। खुद महात्मा गांधी ने खुदीराम बोस के इस शहादत को नकारा था ये कहते हुए कि ये वॉयलेंस का रास्ता नहीं लेना चाहिए, बट मैं आज उस चीज़ को याद नहीं करना चाहता हूँ। आज जो मैं याद करना चाहता हूँ एंड आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है, हमारे देश में हर जनरेशन में जब जब इस कंट्री को ज़रूरत पड़ी है ऐसे सपूत ऐसे लोग जरूर जन्मे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना प्यार अपने जान दोनों न्यौछावर कर दिए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे वो शहीद भगत सिंह रहे हो, चाहे ये हमारे शहीद खुदीराम बोस रहे। तो आज मैं उन्हें नमन करता हूँ एंड चाहता हूँ कि आप सब ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उस 18 साल के लड़के के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले एंड सब में हमारे देश के लिए वो प्यार के बीज बोई जा सके। तो जल्दी ही मिलेंगे, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।